उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने काम का बंटवारा उचित तरीके से ना होने से नाराज होकर कथित तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी में उन्होंने अपने विभाग के अफसरों पर तमाम तरह के आरोप लगाए। इसकी कॉपी उन्होंने मुख्यमंत्री और राजभवन को भी भेजी है। हालांकि सरकार और पार्टी संगठन के स्तर पर इसकी अभी पुष्टि नहीं की गई है। पत्र में दिनेश खटीक ने लिखा है कि जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण उनके किसी भी आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, ना उन्हें सूचना दी जाती है कि विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और उन पर क्या एक्शन हो रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर दलितों का अपमान कर रहे हैं। ये तमाम बड़े आरोप लगाते हुए दिनेश खटीक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग को एक मामले को लेकर फोन किया, पर उन्होंने बात सुने बगैर फोन काट दिया, ऐसा जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक का आरोप है। माननीय आदरणीय गृह मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली, सादर अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी एवं श्री अमित शाह जी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व में दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर चलने के कारण आज भाजपा सरकार का गठन हुआ है। इसी क्रम में दलित समाज से जुड़े होने के कारण मुझे भी एक ईमानदार एवं स्वच्छ छवि वाले मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जल शक्ति विभाग में राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। इससे पूरा दलित समाज भाजपा सरकार के प्रति पूरी तरह से उत्साहित एवं समर्पित है। परंतु जल शक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और ना ही मुझे किसी बैठक की सूचना दी जाती है, ना ही विभाग में कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही हो रही है इत्यादि कोई सूचना अधिकारियों द्वारा नहीं दी जाती है, जिसके कारण राज्य मंत्री को विभाग के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं हो पाती है। संबंधित विभाग के अधिकारी राज्य मंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं और इतने से ही राज्य मंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन हो जाना समझते हैं। इस विभाग में स्थानांतरण सत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। श्री योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस नीति को ध्यान में रखते हुए मेरे संज्ञान में आने पर इस विभाग में स्थानांतरण सत्र 2022-23 में किए गए अधिकारियों के स्थानांतरण से संबंधित सूचना मेरे द्वारा अपने पत्र 309 दिनांक 9 जुलाई 2022 को मांगी गई, तो इसकी सूचना अभी तक नहीं दी गई है। कई दिनों के बाद विभागाध्यक्ष से दूरभाष पर वार्ता करके सूचना हेतु कहा गया, तब भी उन्होंने आज तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। प्रमुख सचिव सिंचाई श्री अनिल गर्ग को उक्त स्थिति से अवगत कराना चाहा, तो उन्होंने बिना मेरी पूरी बात सुने ही टेलीफोन काट दिया और वह भी मेरी बात को अनसुना कर दिए, जो एक जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा अपमान है। मैं एक दलित जाति का मंत्री हूं, इसलिए इस विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। मुझे विभाग में अभी तक कोई अधिकार नहीं दिया गया है, इसलिए मेरे पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता है। मेरे द्वारा लिखे गए पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इस विभाग में नमामि गंगे योजना के अंदर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो ग्राउंड पर जाने पर पता चलता है, और जब मैं कोई शिकायत किसी भी अधिकारी के विरुद्ध करता हूं तो उस पर कार्यवाही नहीं की जाती है। चाहे तो इसकी किसी एजेंसी से जांच भी करा सकते हैं। दिनेश खटीक ने अपने लेटर के अंत में लिखा है, मुझे मेरे ही विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई तवज्जो न दिए जाने के कारण एवं दलितों को उचित मान सम्मान न मिलने के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना नमामि गंगे एवं हर घर जल योजना के नियमों की अनदेखी हो रही है। मेरे विभाग में स्थानांतरण के नाम पर गलत तरीके से धन वसूली की गई है। संज्ञान पर आने पर जब मैंने विभागाध्यक्ष से इसकी सूचना मांगी तो अभी तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब विभाग में दलित समाज के राज्य मंत्री का कोई अस्तित्व नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के रूप में मेरा कार्य करना दलित समाज के लिए बेकार है। इन्हीं सब बातों से आहत होकर मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ। NVT ऑनलाइन की रिपोर्ट।